चार मसल लोच किया, एक आगे इधर साइड में, फिर आगे ये तीन हो गया और एक दाढ़ी मूछ, चौथा वाला बाकी रह गया। यहाँ पे हमारे कुछ एक महानुभावों ने रानमल जी सा, मांगीलाल जी सा और जयवर्धन जी सा, इन्होंने लोच करवाया, ठीक है। अब आप तीनों को पूछो, मैंने तीनों को ऑप्शन दिया था, दिया था कि नहीं दिया था कि भाई थोड़ा सा पीछे का रहने देते करके, मैंने आगे का लोच कर दिया, मैंने कहा यहाँ करने दो, नहीं 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 साहब हमको तो नहीं रखना है करके, मैंने कहा आदिनाथ भगवान के वंशों जो थोड़ा रखो अच्छा लगता है, अरे बाबू जी नहीं अच्छा लगेगा तो मजाक में उड़ाएंगे करके, मैंने कहा रखो, बिल्कुल नहीं मान, रखना भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि भाई रख लो करके, रखने का होता भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो किया है, मैं तो खाली मतलब आप परीक्षा कर रहा था, लेकिन भगवान ने जो किया वो हमें नहीं करना होता, भगवान ने जो कहा है वो हमें करना है, तो ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शन दिए थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यही भगवान ने चार मसल लोच किया, और उसी समय इंद्र ने विनती की, एक सुवर्ण वर्ण शरीर पर इधर उधर चिकटते हुए ऐसे सुंदर मालूम होने लगे जैसे सोने का कलश पर नील कमलों का माला हो, उनको सुंदरता देख करके महाराज इंद्र ने प्रभु से प्रार्थना की कि इतने केश ऐसे ही रहने दीजिए, भगवान ने भी वैसा ही किया। फिर चौबिया छठ का तप करके उत्तर सारा नक्षत्र में चंद्रयोग प्राप्त होने पर उग्र भोग राजन्य और क्षत्रिय कुल के कच्छा महाकच्छादी 4,000 पुरुष जिन्होंने ये निश्चय किया हुआ था कि जैसा प्रभु करेंगे वैसा ही हम करेंगे के साथ प्रभु ने इंद्र के दिए हुए एक देवदृश्य वस्त्र को लेकर के दीक्षा ग्रहण की। परमात्मा आदिनाथ भगवंत की दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद में चौबियार छठ तप करके उन्होंने परमात्मा ने दीक्षा लिया। उग्र भोग राजान्य और क्षत्रिय कुल के कच्छ मा कच्छ आदि 4,000 पुरुषों ने जो है परमात्मा के साथ में दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद में बहुत सारे जो है राजा महाराजा के जो अनुचर थे, उनके साथ में रहने वाले सहयोगी थे, मित्र वर्ग थे, 4,000 जने तो लिया। लेने के बाद में उन्होंने मन के अंदर एक भाव नक्की कर दिया कि हम वही करेंगे जो परमात्मा करते हैं, जैसा प्रभु करेंगे वैसा ही हम करेंगे, इस प्रकार के मन के अंदर भाव था। कैसा भाव था? कौन करेंगे? जैसा परमात्मा करेंगे, प्रभु करेंगे वैसा ही हम करेंगे। परमात्मा ने दीक्षा लिया तो उन्होंने भी दीक्षा ले लिया। अब परमात्मा ने चौबियार छठ का तप किया, इन्होंने भी किया, लेकिन लंबा तो नहीं चल सका, क्योंकि 1,000 वर्ष तक नित्य शरीर को उसराकर उसका ममत्व छोड़कर विचरते थे। दीक्षा लेकर प्रभु घोर अभिग्रह धारण कर ग्राम टू ग्राम जो विचरण करने लगे। उस समय लोगों के पास अत्यंत समृद्धि होने के कारण भिक्षा क्या होती है किसी को कुछ भी मालूम नहीं, भिक्षा क्या होती है यह कोई भी नहीं जानता था। तो सभी प्रभु के साथ में दीक्षा लेने वाले सभी जो है क्षुधा पीड़ित होकर के, भूख से पीड़ित होकर के, भूख से दुखी होकर के प्रभु के पास में जा कर के भगवान को पूछने लगे, भगवान खावणो है, भूख लागी है, कोई रस्तो बताओ, कटाती लावणो की कने करणो। तो परमात्मा तो मौन थे, मौन धारण किए हुए थे, प्रभु ने कुछ उत्तर न दिया, इसलिए उन्होंने फिर कच्छ महाकच्छ से प्रार्थना की। आहार की विधि तो हमें भी मालूम नहीं, ऐसे महाकच्छ ने कहा तो आहार के बिना कैसे रह जाए। तो हमने तो पहले प्रभु से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं, हमने दीक्षा लेने से पहले कुछ पूछा भी नहीं, समझा भी नहीं, बस परमात्मा ने जो किया वैसा हमें करना है, इतना समर्पित भाव से कर लिया। अब भूख तो लग गई, अब क्या किया जाए? तो इसके ऊपर इसलिए विचार करने पर वनवास ही श्रेष्ठ है, इसलिए वनवास के अंदर जो है वनवासी हो गए और प्रभु के ही ध्यान धरते हुए गंगा के किनारे झड़े हुए पत्ते वगैरह खाने वाले और साफ न किए ऐसे केस के गुच्छे वाले जट्टाधारी तापस बन गए। बड़े बड़े बाल हो गए, लोच करना भी पता नहीं, कुछ भी करना मालूम नहीं, तो इतने बड़े बड़े बाल हो गए तो जट्टाधारी तापस बन गए, वनवास में रहने लगे, गंगा के किनारे रहने लग गए, वहीं पर जो मिला लुखा सूखा पत्ते आदि खा करके जो अपना जीवन पूरा करने लगे। इधर कच्छ और महाकच्छ के नमी विनमी नाम के दो पुत्र थे जो प्रभु के दीक्षा के समय कई बाहर गए हुए थे, जिन्होंने भगवान ने अपने पुत्र समझकर रखा हुआ था। वे जब देशांतर से आए तब भरत उन्हें भी राज्य का हिस्सा देने लगे, परंतु वे उसकी उपेक्षा कर पिता के वचनानुसार भगवान के पास गए। हम जो भी लेंगे वो किनके पास लेंगे? हम भगवान के पास से लेंगे, हम भगवान के पास में। तो भगवान तो प्रतिमाधारी थे, भगवान तो प्रतिमाधारी यानी कौशिक ध्यान में खड़े थे,
और वैसी जगह पर जो है नमी और विनमी गए और जा कर के परमात्मा के चरणों में कमल पत्र के अंदर जो है पानी ला कर के उनके ऊपर चरण के ऊपर डाला, आसपास की जगह जितनी भी थी वो साफ सुफ सुंदर कर दिया, एकदम स्वच्छ निर्मल कर दिया, जीव जंतु रहित कर दिया और फूल आदि ला कर के पुष्पों का वहाँ पर ढेर लगा दिया परमात्मा के चरणों के सामने ढेर लगा दिया। फिर पंचांग नमस्कार पूर्वक इच्छामि खमास मनादि कर कर के पंचांग नमस्कार पूर्वक कहा, प्रभो हमें राज्य दो। क्या मांगा परमात्मा के पास में, प्रभु हम तो बाहर गए हुए थे इसलिए अब आप हमको हमारा राज्य दो। इस प्रकार से परमात्मा के सामने प्रार्थना की। तो एक दिन प्रभु को वंदन करने आए हुए धर्मेंद्र भी उसी समय एक दिन वंदन करने आया तो उनका ऐसा आचरण और प्रभु के प्रति भक्ति देख करके संतुष्ट होकर के धर्मेंद्र ने क्या कहा, अरे प्रभु तो निस्संग है, प्रभु निस्संग है, प्रभु तो अभी वितरागी बन गए, वो तो दीक्षित अनगार बन गए, अभी तो वो कुछ न लेते न देते, उनको कोई जरूरत नहीं, तो वो तो मौन में है, निस्संग है, कुछ भी मत मांगो, प्रभु की भक्ति से मैं ही तुम्हें दे दूंगा। किसने कहा, धर्मेंद्र ने कहा, क्या दूंगा, जो तुम्हें चाहिए जितना चाहिए उतना सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्रभु के पास मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ और मेरा मन इतना भर गया तुम्हारी भक्ति देख करके। यूँ कहकर उन्हें 48,000 विद्याएँ दी। कितनी विद्याएँ दी, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, हजार नहीं, 2,000 नहीं, 48,000 विद्याएँ दी। उनमें गौरी, गंधारी, रोहिणी और प्रज्ञप्ति रूप चार महाविद्याएं दी। वो पाठ सिद्ध विद्या देकर कहा, इन विद्याओं द्वारा रिद्धि को प्राप्त कर तुम अपने सगे संबंधियों को लेकर वैताड्य पर्वत पर चले जाओ, वहाँ दक्षिण श्रेणी के गौरी, गंधार प्रमुख 8 निकायों को तथा रथनपुर, चक्रवाल आदि 50 नगरों को, उत्तर श्रेणी के पंडक, वशांत आदि 8 निकायों को तथा गगनवल्लभ आदि नगरों में बसा कर रहो। इस प्रकार से उनको धर्मेंद्र ने कह दिया, जो यहाँ परमात्मा अभी भी कुछ नहीं देते लेकिन परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति आदि देख करके परमात्मा के जो यक्ष यक्षिणी होते हैं, यहाँ पर किन्नर और कदर्प यक्षिणी है, किन्नर यक्ष और कदर्प यक्षिणी जो है वो आपकी भक्ति देख करके वो क्या करेंगे, आपकी मनोकामना, आपकी मनोभावना जो है वो सार्थक करने का कार्य आपकी परमात्मा की प्रति की भक्ति देख करके वो ये कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए परमात्मा की रोज़ पूजा अर्चना भक्ति करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर नमी विनमी ने जो है परमात्मा की भक्ति की, पूजा अर्चना की, वैसे अपने को भी करना चाहिए। अब यहाँ पर सर्व विशिष्ट श्रेयांश कुमार का दान जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। श्रेयांश कुमार ने कैसे दान दिया, यहाँ पर भी परमात्मा मंदिर के पीछे के साइड के अंदर आदिनाथ भगवंत को जो है श्रेयांश कुमार वर्षी तप का पाने के अंदर दान कैसे देते, उसकी प्रतिमा जी है, पांचों कल्याणक वहाँ पर है, वो आपने देखा होगा। तो यही बात यहाँ पर आती है। अब अन्न जल देने में अकुशल समृद्धि वाले लोगों को प्रभु को वस्त्र, आभरण, कन्या आदि दान देने लगी। मतलब लोग जो है ना कन्या भी देने लगे, वस्त्र भी देने लगे, बहुत बड़े बड़े आभूषण भी देने लगे, लेकिन योग्य भिक्षा न मिलने पर अधीन मन वाले भगवान विचरते हुए कुरुदेश के हस्तिनापुर नगर में पधारे। जो हस्तिनापुर दिल्ली के पास में है वो कुरुक्षेत्र है, तो वहाँ पर पधारे। वहाँ पर बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ का पुत्र श्रेयांश नाम का युवराज था। उस श्रेयांश ने रात्रि में एक ऐसा स्वप्न देखा, मैंने श्याम वर्ण के मेरू को अमृत कलशों सिंचित किया जिससे वह अत्यंत शोभने लगा। वो वहाँ के सुबुद्धि नामक नगर सेठ ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा कि सूर्यमंडल से खिसक पड़ी 1,000 किरणों को श्रेयांश ने फिर वहाँ स्थापित कर दिया, इससे वह सूर्य शोभने लगा। वहाँ के राजा सोमप्रभ ने भी उस रात को ऐसा स्वप्न देखा, एक महापुरुष शत्रु सैन्य के साथ लड़ रहा है, वहाँ श्रेयांश की सहायता से विजय हुआ है। उन तीनों ने प्रातःकाल राज्यसभा में एकत्रित होकर परस्पर अपने अपने सपनों को कहे और विचार किया कि इन सपनों के फलस्वरूप आज श्रेयांश कुमार को कोई बड़ा लाभ होगा, ये सपनों के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ होगा, होना चाहिए। तो राजा ने यह निर्णय कर सभा विसर्जन की। श्रेयांश कुमार अपने प्रासाद में जाकर, मतलब अपने महल में जाकर की खिड़की में बैठा ही था, इतने ही प्रभु कुछ भी नहीं लेते लोगों को इस प्रकार की बातें सुनी और बात सुनने के बाद में उसने उधर देखा तो भगवान पर उनकी दृष्टि पड़ी।
भगवान को देखती उसके मन में तुरंत विचार आया, उत्पन्न हुआ, मैंने कभी पहले ऐसे वेश को देखा है, ये जो परमात्मा आ रहे ऐसे वेश को मैंने देखा है, कहीं पर देखा। इस तरह वहाँ पर करते हुए श्रेयांश कुमार को वहाँ पर क्या हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान मतलब पूर्व के भव का ज्ञान होना, पूर्व के भवों का उनको जो है ना स्मृति पटल में आना, मैं कौन था, कहाँ था, किधर था, कैसे था, किस प्रकार का था, इस प्रकार के जो है ना सारी सारा जो है ना पास्ट का, जिसको बोलते हैं पास्ट, पास्ट लाइफ जो है उनको याद आई। तो याद आने के बाद में अब उन्होंने स्वयं जान लिया कि मैं तो पूर्व में भगवान का सारथी रथवान था और भगवान के साथ मैंने भी दीक्षा ली थी। उस समय वज्रसेन भगवान ने कहा था कि वज्रनाभ भरत क्षेत्र में पहला तीर्थंकर होगा और वही ये भगवान है। उस समय कोई एक मनुष्य श्रेयांश कुमार को और उसी समय संयोग इक्षुरस से भरे घड़े जो ला करके भेंट दिए देने आया था, उनमें से एक घड़ा उठा करके श्रेयांश प्रभु के समक्ष होकर के बोले, प्रभु यह योग्य भिक्षा ग्रहण कीजिएगा। और इस प्रकार से कहने के बाद उस समय प्रभु ने हाथ उठाकर पसार दिए और श्रेयांश ने घड़े का सारा रस परमात्मा को बोहरा दिया, एक बूंद भी नीचे नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ा अतिशय, बहुत बड़ा परमात्मा का अतिशय होता है। इसकी शिक्षा इसकी एक बार से सीख ही बढ़ती है। कहाँ भी है कि जिसके हाथों में हजार घड़े समा जाए, समुद्र समा जाए, ऐसी लब्धि जिसे प्राप्त हो वही करपात्र होता है। करपात्र के अंदर परमात्मा ने वो रस लिया, एक बूंद भी नीचे नहीं पड़ा, ये अतिशय है। एक वर्ष तक प्रभु ने भिक्षा ग्रहण नहीं की। उस पर कवि कल्पना करता है कि प्रभु ने दाहिने हाथ से कहा, दाहिने हाथ से कहा, अरे तू भिक्षा क्यों नहीं लेता। तब वह कहता है कि हे प्रभु, मैंने देने वाले के हाथ के नीचे किस तरह से मैं आऊं करके, क्योंकि पूजा भोजन दान शांति काम कला पानी ग्रहण कुंभ स्थापना शुद्रता क्षेपना काम में वरता हूँ। यो कहकर जब दाहिना हाथ ने कहा, दाहिना हाथ ने कहा, हाथ चुप रहा था, प्रभु ने बाएं हाथ से कहा, भाई तू हो भिक्षा ले। जब मैं बाया हाथ बोला, महाराज मैं तो रण संग्राम सन्मुख होने वाला, अंक गिनने में बाई करवट से सोना हो तब साय करने वाला हो, ये दाहिना हाथ तो जुए आदि व्यसनों वाला है। और दाहिना बोला कि मैं पवित्र हूँ, तू पवित्र नहीं। फिर प्रभु ने दोनों को समझाया, तुम दोनों ने मिलकर राज्य लक्ष्मी को उपार्जन किए, अर्थी जनों को समूह को दान देकर कृतार्थ किया है। तो प्रभु ने एक वर्ष तक दोनों हाथों को समझा कर श्रेयांश कुमार को ताजा इक्षु रस ग्रहण किया। जो परमात्मा के जीव ने पूर्व भोग के अंदर जो बैल को बांधा था घास न खाए और वो निकालना भूल गया था, उसके अंदर 14 महीने निकल गए थे और वो बेचारे गाय जो है बिना अन्न पानी खाए बिना ऐसी रहे, और उसी का जो परिणाम कि परमात्मा ने दीक्षा लेने के बाद में 14 महीने तक क्या हुआ, उनको अन्न पानी भी नहीं मिला, गोचरी नहीं मिली। इसीलिए कभी भी कोई भी खाने पीने के अंदर कभी कभी अंतराय नहीं देना। और उसी भावना से अपने यहाँ पर वर्षी तप करते ऐसे कंटिन्यू 14 महीने का अपने उपवास तो नहीं कर सकते, अपनी वो क्षमता शारीरिक नहीं है, इसलिए अपने क्या करते 2 वर्षी तप के द्वारा अपने 14 महीना पूरा करते, एक उपवास एक व्यासना, एक उपवास व्यासना, इस तरह से वर्षी तप 2 करते हैं तब जा करके पूरा होता है। और पारणे के अंदर इक्षु रस से परमात्मा ने पारणा हुआ 14 महीने के बाद में, जब परमात्मा को जब आहार मिला, आहार में श्रेयांश कुमार ने क्या हो रहा है, इक्षु रस हो रहा है। तो यहाँ पर भी अपने वर्षी तप के पारणे में क्या होते हैं, क्या लेते हैं, इक्षु रस से अपने गन्ने के रस से पारणा करते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने इक्षु रस से पारणा किया था कि नहीं किया था, अपने क्या करते हैं बिना वर्षी तप के भगवान को नहला देते हैं इक्षु रस से, ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। इक्षु रस से भगवान का कभी अभिषेक नहीं होता, पारणा हुआ, पारणा किया था, आपने कौन सा वर्षी तब किया भी नहीं है। और भगवान को उस दिन आखा 30 के दिन क्या करते हो, इक्षु रस लेकर के भगवान का अभिषेक करते हो, ये गलत परंपरा है, ये ऐसा नहीं होता है। खाली आपको क्या करना है, उसकी जगह पर इक्षु रस का घड़ा भर लेना, मटके में ले लो, चांदी के कलश में ले लो, चांदी के कुंभ में लेकर के परमात्मा के सामने वहाँ धर देने का होता है, क्या करने का, सामने वहाँ पर धर देने का, वहाँ पर रख देने का होता है, अर्पण करने का होता है, भगवान को नहलाने का नहीं होता है वैसे। हाँ हाँ, भगवान ने नहाए थे के पारणा किया था, भगवान नहाए थे के पारणा किया था, पारणा किया था। तो यहाँ पर अपने को भगवान के सामने धरने का है,
हाँ, तो आपको भी ऐसा ही कराएंगे अभी। सबको ऐसा ही करेंगे फिर तो। यहाँ पर पूरा होज भर करके यहाँ पर गन्ने का रस मंगाना पड़ेगा। हाँ, सबको दो दो बाल्टी नहाने को चाहिए तो यहाँ पर भी दो दो बाल्टी एक सूरज लेकर के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, समझ गए। तो इसी तरह इस अवसर पेणी में प्रथम श्रेयांश कुमार ने दान की प्रवृत्ति को लोगों ने श्रेयांश से पूछा कि तुमने कैसे जाना, तुमने कैसे समझ लिया तब ऐसे दान देना चाहिए। तो श्रेयांश प्रभु के साथ का 8 भवों का संबंध बताया। कितने भव का आदिनाथ भगवान के साथ संबंध था? 8 भवों का संबंध था। जब प्रभु दूसरे देवलोक में ललिता नामक देव थे तब प्रभु पूर्व भव में इनकी स्वयं प्रभु नाम की देवी हुई थी। फिर जब प्रभु विदेह पुष्प कलावती विजय में लोहार्ग नामक नगर में वज्रगार नाम के राजा थे तब मैं स्मृति नामक इनकी रानी थी। वहाँ से उत्तर क्षेत्र में भगवान युगलिक थे तब मैं इनकी युगलिक थी। वहाँ से देवलोक में हम दोनों देव हुए। वहाँ से प्रभु पश्चिम आवधिक वैद्य में वैद्य पुत्र थे तब मैं केशव नाम का जीर्ण शेठ का पुत्र इनका मित्र था। वहाँ से दोनों 12वें देवलोक में देव हुए। वहाँ से पुंडरीकिनी नगरी में प्रभु नामक चक्रवर्ती थे उसमें इनका सारथी और वहाँ से हम दोनों छठे देवलोक में देव हुए तथा यह प्रभु मैं भी प्रभु का पर प्रभु। तो यह वृत्तांत सुनकर सब लोग कहने लगे ऋषभदेव समान पात्र रस रक्ष इक्षुरस के समान निर्वध्य दान और श्रेयांश के समान समान भाव पूर्व कर पुण्य पुण्य से ही प्राप्त होता है इत्यादि रूपों में स्तुति करते हुए सब लोगों ने अपने अपने घरों में चले गए। अब परमात्मा का केवल ज्ञान का वर्णन आ रहा है। परमात्मा को केवल ज्ञान कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसका वर्णन यहाँ पर आता है। तू कर वर्णन। हर्षसी रोमांचित आनंद के अश्रु जल से निर्मल नेत्र वाली हुई मनोदेव माता प्रभु के शब्द श्रवणादि प्रतिहार लक्ष्मी देव विचारने लगी कि ओहो मोह से विकल सर्व प्राणियों को धिक्कार है। सर्व स्वार्थ के लिए स्नेह करते हैं। ऋषभ के दुख के रुदन से करते मेरे नेत्र भी तेजहीन हो गए हैं। परंतु ऋषभ तो देव देवेंद्र से सेवित होने पर भी और ऐसे दिव्य समृद्धि प्राप्त करने पर भी मुझे कभी भेजता यहाँ पर कभी उद्भावना करता है। जगत में भगवान ऋषभ के समान पुत्र नहीं है क्योंकि जिसने 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटक भटक कर जो केवल ज्ञान रूप उत्तम रत्न प्राप्त किया था वह तुरंत ही मातृ स्नेह से माता को समर्पण कर दिया। माता मृदुल के समान अन्य माता भी जगत में नहीं है कि जो अपने पुत्र के लिए मुक्त कन्या को देखने के लिए पहले मोक्ष में चली गई। भरत राजा श्रावक बना ये श्री रत्न बने की ये समझ कर सुंदरी को दीक्षा देने से रोक दिया था अतः यह सुंदरी सालिका बनी। इस प्रकार से संघ की स्थापना हुई। फिर कच्छ और महाकच्छ के सिवा सर्व तापसों ने प्रभु के पास जाकर दीक्षा ग्रहण की। इंद्र के प्रति वो समृद्धि माता का शोक निवारण कर राजा भरत अपने निवास स्थान पर लौट आए। अब राजा भरत चक्र रत्न की पूजा करके शुभ दिन में प्रयाण कर 60,000 वर्ष में भरत क्षेत्र के 6 खंडों को साध कर अपने घर वापस आए। परंतु चक्र रत्न आयुस्थाला के बाहरी ही रहा। कारण समझकर भरत ने अपने 98 भाइयों से कहा कि मेरी आज्ञा मानो। यह समाचार एक दूत के मुख से कहलवाया गया। उस सब ने एकत्रित होकर इस बात पर विचार किया कि भरत की आज्ञा मानना या उसके साथ युद्ध करना। विचार कर सब प्रभु के पास में गए। प्रभु ने वैदारी अध्ययन की प्रवर्तना द्वारा उन्हें प्रद्युत कर वहां दीक्षा दे दी। अब भरत ने बाहुबली के पास भी दूत भेजा। वह भी क्रोध से अंधा हो और अहंकार से युद्ध हो अपना सौंदर्य सांस ले भरत के सामने आ डटा। परंतु 12 वर्ष तक भरत के साथ युद्ध करता रहा परंतु उसने हार न मानी। जन समूह का अधिक समान होता था। इंद्र ने आकर दृष्टिबाघ मुष्टि और धनुरूप यह 4 प्रकार की युद्ध नियत किया। उसमें भी भरत चक्री के पराजय हुई। फिर क्रोधांत होकर भरत ने बाहुबली पर चक्र छोड़ा परंतु एक गोत्री पर चक्र न चलने के कारण उस चक्र ने उसका अनिष्ट न किया। उस समय क्रोधित हो भरत को मार डालने की इच्छा से मुक्का उठाकर सन्मुख दौड़ते हुए बाहुबली ने विचार किया अरे पिता तुल्य भाई को मारना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है परंतु उठाया हुआ निष्फल न जाना चाहिए। ये विचार कर उन्होंने हाथ को अपने मस्तक पर जो मुष्टि बंद करके भरत को मारने के लिए उठा के दौड़े। फिर सोचा कि वे भाई को तो मार नहीं सकते तो पिता के तुल्य है तो ये हाथ वापस खाली भी नहीं जाना चाहिए। ये है ना बात कितनी छोटी सी है कि हाथ वापस खाली नहीं जाना चाहिए। मतलब एक बार जब हम मंदिर में गए जेब में हाथ डाला बाहर आया जुआया डाल देने का वापिस जेब में नहीं जाना चाहिए। हाँ धर्मस्थान में यही होता है। और पिता तो यहाँ देखकर भरत उठाए हुआ निष्फल न जाना चाहिए ये विचार कर उन्होंने हाथ को अपने मस्तक पर रखकर केश मुंडन किया और सर्व सावध्य कर्मों का त्याग कर दीक्षित हो वहां पर ध्यान लगाकर बैठ गए। यह देखकर भरत ने उनके पैरों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा याचना की और फिर से अपने राजमहल में चले गए।
बाहुबली ने भी दीक्षा पर्याय से बड़े छोटे भैया को कैसे नमूं ये विचार कर, जब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा तब मैं प्रभु के पास जाऊंगा ये विचार कर एक वर्ष तक वहां पर कार्योत्सव ध्यान में खड़े रहे। एक वर्ष के बाद प्रभु द्वारा भेजी गई उनके बहनों ने हे भाई हाथी से नीचे उतरो ऐसा कहकर उन्हें प्रतिबोधित किया। इधर फिर बाहुबली ने जो ही पैर उठाया तो ही उन्हें तुरंत केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। इधर भरत चक्रवर्ती बहुत समय तक चक्रवर्ती लक्ष्मी का भोग कर एक दिन शीश महल में अंगूठी रहित अपने अंगुली को देखकर अनित्यता का भावना भाते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर 10,000 राजाओं के साथ देवता द्वारा दिए हुए मुनि वेश को ग्रहण कर चक्रवर्ती भरत भी चिरकाल तक विचर कर मोक्ष को सिधारे। अरहन कौशलिक ऋषिदा प्रभु के 84 गण और 84 गंधर्व हुए। ऋषभसेन आदि 84,000 साधु उत्कृष्ट साधु संपदा हुई। केवली नहीं परंतु केवली के तुल्य 4,750 चौदह प्रभु की उत्कृष्ट संपदा हुई। 20,600 विक्रय लब्धिधारियों की 12,650 वादियों की। अरहन कौशलिक ऋषिदा प्रभु के 20,000 साधु मोक्ष में गए। 40,000 साधिया मोक्ष में गई। अरहन कौशलिक ऋषिदा प्रभु के अनुत्तर विमान में पैदा होने वाले और आगामी मनुष्य गति से मुक्त हो जाने वाले 20,900 मुनियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। अरहन कौशलिक ऋषिदा प्रभु के 2 प्रकार की अंतर्कृत भूमि हुई। उस काल और उस समय में अरहन कौशलिक श्री ऋषिदे प्रभु 20,00,000 पूर्व कुमारावस्था में रहकर 63,00,000 पूर्व राज्यावस्था में रहकर 83,00,000 पूर्व गृहस्थावस्था में रहकर 1,000 वर्ष छद्मस्थ पर्याय पालकर 1,000 वर्ष कम 1,00,000 पूर्व तक केवली पर्याय पालकर 1,00,000 पूर्व साहित्य पर्याय पालकर और 84,00,000 पूर्व का सर्वाई पालकर वेदनीय आयु नाम और गोत्रकर्म कक्षाए हो जाने पर इस अवसर्पिणी में सुषम दुषम नामक तीसरा आरा बहुत सा बीत जाने पर 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहने पर अर्थात तीसरे आरे के 89 बक्ष शेष रहने पर शरद ऋतु के तीसरे महीने और 5वें बक्ष में माघ मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन अष्टापद पर्वत के शिखर पर 10,000 साधुओं के साथ 24 छठ उपवास का तप करके अभिजीत नामक नक्षत्र में चंद्रयोग प्राप्त होने पर प्रातःकाल के समय पल्यांक सन में बैठे हुए निर्वाण को प्राप्त हुए यावत सर्व दुखों से वे मुक्त हो गए। जिस समय श्री सदैव प्रभु मोक्ष सिधारे उस समय कंपितासन इंद्र अभिज्ञान से प्रभु का निर्वाण जानकर अपनी अग्निमहिषी सहित लोकपाल आदि सर्व परिवार सहित प्रभु का निर्वाण जानकर अष्टावद पर्वत पर अपने परिवार सहित वहां आते हैं। फिर इंद्र ने भवनपति व्यंतर ज्योतिष का वैमानिक देवों ने नंदमन से गोसिद्ध चंदन मंगवाकर 3 चिताएं बनवाई, एक तीर्थंकर के शरीर के लिए, एक गंधर्व के शरीर के लिए और एक शेष मुनियों के लिए। फिर अभियोगी दोगी ने देवों ने श्री समुद्र से जल मंगवाया। इस तरह अन्य देवों ने गंधर्व तथा मुनियों के शरीर को भी किया। फिर इंद्र ने विचित्र प्रकार के चित्रों से विचित्रित 3 शिविकाएं बनवाई। आनंद रहित दिन मनाने वाले तथा अश्रुपूर्ण नेत्र वाले इंद्र ने प्रभु के शरीर को शिविका में पधराया। दूसरे देवों ने गंधर्वों और मुनियों के शरीर को अन्य शिविकाओं में पधराया। इंद्र ने तीर्थंकरों के शरीर को शिविका में से नीचे उतार कर चिता पर स्थापित किया। दूसरे देवों ने गंधर्वों और मुनियों के शरीर को चिता पर स्थापित किया। फिर इंद्र की आज्ञा से आनंद और उत्साह रहित हो अग्निकुमार देवों ने चिताओं की अग्नि प्रदीप्त की। वायुकुमार ने वायु चलाया और शेष देवों ने उन चिताओं में कारागुरु चंदन आदि उत्तम काष्ठ डाले तथा शहद और घी के घड़ों से चिताओं को सिंचित किया। जब उनके शरीर की सिर्फ हड्डियां शेष रह गई तब इंद्र की आज्ञा से मेघ कुमार ने उन चिताओं को ठंडा कर दिया। सोधर्मेंद्र ने प्रभु की दाहिनी तरफ की ऊपर की दार ग्रहण की। ईशानेंद्र ने ऊपर की बाईं तरफ की दार ग्रहण की। समरेंद्र ने नीचे की दाहिनी धार और बलिंद्र ने नीचे की बाईं धार ग्रहण की। अन्य देवों ने भी किसी ने भक्तिभाव से, किसी ने अपना आचार समझकर और अनेक देवों ने धर्म समझकर शेष रही हुई अंगपांग अस्थियां ग्रहण की। अभी आज की तारीख में भी जो आप पालिताना जाते हो, रायण वृक्ष जो है वो उसके नीचे पगलिया है, तो रायण वृक्ष के नीचे आज की तारीख में भी वहाँ पर एक दाढ़ है। वहाँ पर आज की तारीख में इंद्र महाराजा देवादि वहाँ आते हैं और उस दाढ़ की पूजा करते हैं। वहाँ पर पूर्व पहले के ज़माने में चौकीदार थे, वो कहते थे रात्रि के समय यहाँ पर भक्ति भावना का, संगीत का, नृत्य का आवाज़ आता था। चौकीदार कई बार कहता था, पुजारी भी कई बार कहते थे। ये तो ये बात मैंने खुद ने जो है 23-30 साल पूर्व के अंदर जब मैं नवानु कर रहा था उस समय भी मैंने सुना। उनके पुजारियों को टटल टटल के पूछा, रात्रि के चौकीदार थे उनको भी पूछा, तब उन्होंने सारी भक्ति भावना से सारी बातें कही
जो चौगान जो है ना पूरा रायन वृक्ष के आगे आदिनाथ भगवान का, वहाँ पर नृत्यगान नाच आदि करते थे। मतलब आज भी दाड़ा है और आज भी परमात्मा आदिनाथ भगवान की दाड़ाओं का जो दाड़ जो है ना उसके आज भी पूजा होती है, क्योंकि परमात्मा के सभी अंग उपांग जो है सब पूजनीय हैं। सभी दुखों से मुक्त हुए अरुण कौशल श्री ऋषिदेव प्रभु के निर्वाण के बाद 3.5 महीने बीतने पर 42,000 वर्ष तथा 3.5 मास अधिक इतना काल कम 1 सागरोपम कोटि काल बीतने पर श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु ने निर्वाण पाया। उसके बाद 980 वर्ष पर पुस्तक वाचना हुई, यह श्री ऋषिदेव प्रभु का चरित्र पूर्ण हुआ। इस प्रकार जगत गुरु भट्टारक श्री ही विजय श्रीष्ठ जी के शिष्य रत्न महोपाध्याय, श्री कीर्ति विजय गणी के शिष्योपाध्याय, श्री विनय विजय गणी के रची हुई कल्पसूत्र पर सुभद्रिका नाम की टीका में यह 7वां व्याख्यान समाप्त हुआ एवं जिन चरित्र रूप प्रथम वाच्य व्याख्यान पूर्ण हुआ। अभी दोपहर का जो व्याख्यान है आप लोगों को लगता है सवेरा भी लिए, लेकिन मूल परंपरा जो है परमात्मा से लेकर के आज तक की वर्तमान की परंपराओं में जो महान आचार्य भगवंत हो गए, जिन्हें शासन प्रभावक आचार्य भगवंत हो गए, जो ऐतिहासिक उन्होंने जो कार्य किए, जिन संपूर्ण जैन परंपरा का संपूर्ण इतिहास जो है, जो खरे खर हकीकत के अंदर सुनेंगे तब मालूम पड़ेगा अहो जिन शासनम, मेरा अहो जिन शासन कितना महान है, वो समझने के लिए दोपहर का 2:30 बजे का प्रवचन के अंदर आपको जरूर आना पड़ेगा। पूरा प्रूफ के साथ में सब चीज़ें आपको शास्त्रोक्त सारी जो है समझने को मिलेगी और जानने को मिलेगी, और इससे अपने मन के अंदर अपने जीवन में जैन के प्रति अपने परमात्मा के प्रति अवभाव प्रकट होगा। तो जरूर आकर के सुनने की भावना रखना। अभी जो है अभी ये अपना इस तरह से प्रवचन जो है 7वां प्रवचन यहाँ पर पूरा हुआ, दोपहर का 8वां प्रवचन रहेगा। ऐसे 9 प्रवचन होते हैं, 9वां प्रवचन वो खाली सिर्फ हमको ही श्रवण करने का होता है, हम ही पढ़ लेते हैं उसको, वो संघ के समक्ष नहीं वाचा जाता है। और अभी ये कल्पसूत्र पूरा सुवर्ण के अंदर सोने के अंदर लिखा हुआ है पूरा, इस प्रकार से इसकी रत्न धाबड़ी भी है पूरी बनाई हुई है। तो अभी इस कल्पसूत्र बारसा सूत्र ताराचंद जी कहाँ गए? हाँ, तो इनके यहाँ पर सभी को अपने को पूरे सकल संघ और चतुर्विध संघ के साथ में अपने को वहाँ जाना है। जिनकी शक्ति हो, भक्ति हो, जिनकी अनुकूलता हो, हमारे साथ में आना, मैं भी साथ में जाऊँगा। अपने थाली बजाते बजाते जाएंगे उनके घर पे, वहाँ पर बैठा करके वहाँ विराजमान करके और उसके बाद में आएंगे। रात्रि का प्रोग्राम भक्ति भावना का वहाँ पर भी रखा गया है आपकी जानकारी के लिए।